Hey guys, welcome back my YouTube channel ललित दिवांगन में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को लेकर आया हूँ शहीद पार्क। जस्ट मेरे पीछे में है शहीद पार्क का, और जो लाइटिंग अभी नहीं जल रहा है, जैसे ही लाइट जलेगा तो इसका जो रौनक है और ही खूबसूरत लगने लगेगा। तो चलिए मैं आप लोग को अंदर लेकर चलता हूँ। यह सेक्टर 5 ढिलाई में है। अगर आप लोग दूर से आते हो तो आप लोग को यह 10 से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। पावर हाउस से आते हो तो आप लोग को कम से कम 8 से 10 किलोमीटर, दोनों का जो डिस्टेंस है लगभग सेम ही है। स्टेशन तक आप लोग ट्रेन तक आ सकते हो, वहाँ से आप लोग या बस या ऑटो से भी आ सकते हो। अगर आपके पास बाइक की अगर सुविधा है तो बाइक से आप लोग यहाँ पे पहुँच सकते हो। यहाँ का जो खुलने का जो टाइमिंग है, शाम के 5 बजे ओपन होता है और रात के 10 या 11 बजे तक ओपन रहता है। तो चलिए आप लोगों को मैं अंदर लेकर चलता हूँ। ये है शहीद पार्क है। यहाँ पे जस्ट सामने में है आपका जवाहर उद्यान, उसके जस्ट सामने में है मैत्री गार्डन। इसी रोड से आप लोग आओगे तो यहाँ पे आप लोग को शहीद पार्क मिलेगा। ये सेक्टर 5 के एरिया में आते हैं। जस्ट यहाँ पे एंट्रेंस है, एंट्रेंस के जस्ट बाहर में आप लोग गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हो। अभी तक के तो पार्किंग का जो पैसा मैंने नहीं दिया है, पार्किंग का पैसा लेता है कि नहीं लेता है इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। फिलहाल मैंने अपने बाइक को यहाँ पे पार्क कर दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सामने में सेक्टर 6 का मार्केट भी है, सेक्टर 6 है। यहाँ पे बहुत लोग पहुँचे हुए हैं। और इस तरह से ये देखिए, मैं अभी एंट्री लेने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है खुलने का जो समय लिखा है सुबह 6 से 10 है, और शाम के जो टाइमिंग है 5 से 9 लिखा हुआ है। तो चलिए अंदर आप लोग को मैं लेकर चलता हूँ। इस तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बच्चों के लिए खिलौने वगैरह भी यहाँ पे बिक रहे हैं। ये लिखा हुआ है शहीद उद्यान। चलिए अंदर आप लोग को लेकर चलता हूँ। तो ये है फ्रेंड्स आपका शहीद उद्यान, सेक्टर 5 में है। इस साइड का भी जो लाइट है अभी नहीं जल रहा है। यहाँ पे अभी बहुत लोग पहुँच चुके हैं। इस साइड के एरिया में अभी लाइट जल रहा है। यहाँ पे आप लोग बैठकर कुछ देर आराम कर सकते हो। यहाँ पे बैठने की एक अच्छी व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे फाउंटेन का एरिया है, जस्ट सामने में है। अभी फिलहाल फाउंटेन बंद है। इस साइड का भी लाइट स्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं यहाँ का जो फाउंटेन है कितना देर में स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे खूबसूरत सा पार्क भी बना हुआ है बैठने के लिए, यहाँ से आप लोग आ सकते हो। और खूबसूरत सा बना हुआ है, ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। और वहाँ पे है आपका शहीद भगत सिंह का जो स्टैचू यहाँ पे बनाया हुआ है, वहाँ पास भी आप लोग को मैं लेकर जाने वाला हूँ। चलिए मैं आप लोग को इस साइड में लेकर चलता हूँ। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पे लोग सेल्फी वगैरह भी ले रहे हैं, बहुत ही सुंदर। ये पूरा फाउंटेन का एरिया है। और ये जो मैट बिछा हुआ है ये देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये पूरा फाउंटेन का एरिया है, बहुत ही सुंदर। अब देखते हैं फाउंटेन कितना बजे स्टार्ट होता है। वैसे तो 7 बजे बोल रहा था, अभी लगभग 6 बज चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग जो भी खाना चाहते हो आप लोग खा सकते हो। यहाँ पे गढ़ कलेवा भी है पीछे साइड में, आप लोग देखिए वहाँ पे आप लोग को मैं लेकर जाने वाला हूँ गढ़ कलेवा। जैसे अपना रायपुर में गढ़ कलेवा है वैसे ही यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो बनता है वो यहाँ पे बनाया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बन रहा है। और जो पार्क है ना, बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ है। यहाँ पे आप लोग कुछ देर बैठना चाहते हो यहाँ पे आराम से बैठ कर इंजॉय कर सकते हो। फैमिली के साथ आ सकते हो, फैमिली के साथ आप लोग यहाँ पर अगर इंजॉय वगैरह भी कर सकते हो। शाम के जो समय है उसी टाइम में बिल्कुल यहाँ पे आप लोग पहुँचिए। जो सुबह का टाइमिंग है वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो सुबह आप लोग अगर आना चाहते हो तो सुबह भी आ सकते हो। वैसे मुझे शाम का जो टाइमिंग है मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप लोग शाम के समय भी यहाँ पर पहुँच सकते हो। तो ये है गढ़ कलेवा, इस तरह से यहाँ पे बनाया जाता है छत्तीसगढ़ी व्यंजन। अभी यहाँ पे बन रहा है। मैं बात किया हूँ तो टाइम लगेगा बोला, जिसको मैं ऑर्डर करने वाला था उसको बोला कि 10 मिनट का जो टाइम है लगेगा बोला, इसलिए मैं थोड़ा आगे घूम कर आता हूँ। वैसे मैं बोल के रखा हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत सा बनाया हुआ है, पूरे शहीदों के नाम से यहाँ पे पूरा स्टैचू बनाए हुए हैं दीवारों पर।
बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, लाइटिंग भी ज़बरदस्त किया हुआ है। यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया हुआ है नाम वगैरह, लेकिन यहाँ पे शहीदों के नाम पे इस जगह को बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। यहाँ पे है भारत माता, ये देखिए जैसे सामने में है भारत माता, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लोग यहाँ पे फोटोग्राफी खिंचा रहे हैं बहुत ही। यहाँ पे लिखा हुआ है, सबका नाम मेंशन किया हुआ है, ये देखिए सामने में लिखा हुआ है सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, खुदीराम बोस। तो यहाँ पे पांच जो यहाँ पे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है गेंद सी लिखा हुआ है, वीर नारायण सिंह इसका भी नाम है, तो साथ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स, ये जो पार्क बना हुआ है, जो शहीद पार्क है अपना, जो रायपुर में बूढ़ा तालाब में जैसा बना हुआ है वैसे ही अपना इस भिलाई में बनाया हुआ है। वहाँ पे एक आंटी है बैठी हुई है, सिटी बाजार है, यहाँ पे बच्चे लोग पानी से मस्ती कर रहे हैं, इस कारण से थोड़ा सा इन लोग को मना कर रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग पानी के साथ मस्ती ना करिए। यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। चलिए मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखलाता हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे सब नाम लिखे हुए, सब मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पे आप लोग आकर पढ़ सकते हो। बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है इसलिए कैमरे में नहीं आ पाएगा। बहुत सारा जो घटना हुआ है उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये सब चीज़ को बताया गया है। तो आप लोग अगर आना चाहते हो यहाँ पे तो आकर आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। और ये देखिए इस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ है पार्क का, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखा हूँ मैं जितने भी घटना हुए हैं, जो भी शहीद हुए उनका सबका नाम मेंशन किया हुआ है, जो जो सन में हुआ है उनके बारे में यहाँ पे पूरा बतलाया हुआ है। छोटा है करके यहाँ पे बारीकी से नहीं दिखला पाऊंगा क्योंकि बहुत छोटा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अमर शहीदों को सत सत नमन, तो इस तरह से ये लिखा हुआ है। आप लोग अगर यहाँ पे आओगे तो पूरा डिटेल आप लोग को मिल जाएगा। तो ये जो पार्क का एरिया है वहाँ से मैं आया हूँ, उस साइड से होते हुए इस साइड के एरिया में आप लोग को लेकर आया हूँ और इस साइड मैं आप लोग को लेकर जा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा ये बना हुआ है पार्क का। अगर आप लोग आते हो तो बिल्कुल यहाँ पे घूमने के लिए आइएगा, शाम के टाइम में आप लोग यहाँ पे पहुँच सकते हो। ये है फ्लैग है आपका, झंडा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अपना रायपुर का जो मरीन ड्राइव है वहाँ पे लगा हुआ है, वैसे ही यहाँ पे लगा हुआ है। चलिए इस साइड में आप लोग को लेके जा रहा हूँ, इस साइड के एरिया में। ये देखिए खूबसूरत से लग रहा है सामने में। तो ये है आपका फाउंटेन है, ये इस तरफ का जो फाउंटेन है स्टार्ट हो चुके हैं, उस साइड का जो फाउंटेन है अभी स्टार्ट होने में भी टाइम है। वहाँ का जो टाइमिंग है बोल रहे हैं 7 बजे स्टार्ट होगा, अभी यहाँ का जो भी टाइम हुआ है 6:30 बज चुके हैं। तो ये वाला जो फाउंटेन है ये तो स्टार्ट हो चुके हैं, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वहाँ से ऊपर से पानी भी गिर रहा है, वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं चलिए मैं आप लोग को सामने से दिखाता हूँ। अगर आपका रायपुर बूढ़ा तालाब नहीं जाना हो पा रहा है तो आप लोग यहाँ पे भी घूम सकते हो, बहुत ही खूबसूरत। शहीद पार्क का बहुत अच्छा बना हुआ है। ये वाला जो सीन है मुझे बहुत प्यारा लगा। यहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन भी है,
मेन जो फाउंटेन है सामने में है, लेकिन ये छोटा वाला जो फाउंटेन है उसका एक एरिया में है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। चलिए आगे आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ, आगे की तरफ आप लोगों को मैं लेकर चलता हूँ, जहाँ पे ये बना हुआ है शहीद भगत सिंह, तो वहीं पे आप लोगों को मैं लेकर चलता हूँ। यहाँ पे जब मैं स्टार्ट में आया हुआ था तो बहुत कम लोग आए हुए थे, लेकिन अभी ये जो समय 7 बज चुके हैं यहाँ पे बहुत लोग पहुँच चुके हैं। ये है आपका शहीद भगत सिंह की जो मूर्ति यहाँ पे बनाए हुए, बहुत ही बड़ा बना हुआ है। यहाँ पे भी पार्क है बैठने के लिए, छोटा सा बना हुआ है। इस साइड के एरिया में अभी भी काम बचा हुआ है, अभी छोड़ के रखे हुए तो अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और इस साइड से मैं होते हुए आकर आप लोग को उस साइड के एरिया में लेकर गया हुआ था, अब इस साइड के एरिया में मैं आप लोग को लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पे भी आप लोग फोटोग्राफी खिंचा सकते हो, सेल्फी पॉइंट है, तो उसी साइड में आप लोग को लेकर जा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, बस यहाँ पे लाइटिंग का थोड़ा सा कमी लग रहा है मुझे। यहाँ पे भी आप लोग आकर बैठ के फोटोग्राफ खिंचा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लोग खिंचा रहे हैं। ये देखिए शहीद भगत सिंह, इसी के नाम पे यह पार्क बना हुआ है। चलिए मैं आप लोग को सामने से दिखलाता हूँ। इस साइड है बच्चे वाला जो सेक्शन है, जो झूला सेक्शन है, उस साइड में आप लोग को लेके जा रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो बच्चे लोग झूला झूल रहे हैं। इस साइड भी थोड़ा सा बैठने की एक सुविधा दिया गया है। वहाँ पे भी एक ऐसा बना हुआ था जस्ट आगे में, और वैसे भी यहाँ पे भी बना हुआ है, और यह पूरा बच्चों लोग के लिए है, छोटे बच्चों के लिए है ख़ास तौर पर, बट यहाँ पे भी बड़े लोग भी झूल कर इंजॉय कर रहे हैं। तो ये है पूरा देख सकते हो झूला सेक्शन। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी झूल रहे हैं, ये भी यहाँ पर फिसल पट्टी है, वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए झूला है, फुल मस्ती भाई छोटे बच्चों के लिए। यहाँ पे चढ़ने के लिए थोड़ा स्पेशल टाइप का बनाया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए किस तरह से चढ़ने के लिए, यहाँ पे पत्थर वाला जो मेंशन किया हुआ है, ये देखिए यहाँ से चढ़ने के लिए बनाया हुआ है। फुल एंजॉय सेक्शन है यहाँ पे, यहाँ पर भी है इस साइड के एरिया में। ये बाहर का एरिया है, पार्किंग एरिया है। अभी के समय में अगर आप लोग आना चाहते हो तो यहाँ पे पार्क पे आ सकते हो घूमने के लिए। मैत्री गार्डन में अभी छोटे बच्चा और जो बूढ़े जो 60 साल 65 साल से जो अधिक हैं उनको वहाँ पे जाना मना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई पाबंद नहीं है, आप लोग यहाँ पे आ सकते हो बच्चे लोग को लेकर। तो गाइस ये जो शहीद पार्क का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।